दोस्तों मेरे पास आया हुआ है बजाज डिस्कवर 125 सीसी, या बजाज की कोई भी गाड़ी क्लच पैड अगर बार बार जा रहा है, इसे जल्द से जल्द क्लच पैड चले जाता है, महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में क्लच पैड आपकी गाड़ी का जा रहा है, आप नया डाला दिए, नया पूरा असेंबल भी डाल दिए, तभी भी आपकी क्लच पैड चले जा रहा है, तो जाता किस लिए है? जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो वीडियो मैंने बताया हूँ। अगर वो वीडियो जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी गाड़ी का जो क्लच पैड बार बार ख़राब होता है, तो आपकी गाड़ी का क्लच पैड नहीं ख़राब होगा और आपकी गाड़ी का इंजन भी जल्दी ओपन नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताने ये जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी जैसे पल्सर बजाज कंपनी जो गाड़ी होता है उसका क्लच पैड उड़ने का रीजन, जो क्लच पैड क्यों उड़ता है, अगर आपने क्लच पैड डाल दिए, क्लच पैड डालने के बाद कभी कभी महीना भर, कभी 10 दिन में, कभी 3 महीने में क्लच पैड उड़ जाता है। आपको अगर क्लच पैड मतलब थोड़ा टाइम तक चलना चाहिए, थोड़ा अच्छे टाइम तक, तो आपको क्या करना चाहिए? अब ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो क्लच पैड था ख़राब था, जो कस्टमर हमको ने बताया कि गाड़ी में हमारे पिकअप ही नहीं है, क्लच पैड अगर आपकी गाड़ी ख़राब है तो पिकअप जैसे रहता है उसे पिकअप रहेगा ही नहीं थोड़ा भी। तो आपकी गाड़ी अगर क्लच पैड ख़राब है, आप इंजन ऑयल नया डाल दिए तो वापस से इंजन ऑयल ख़राब हो जाएगा। अगर आपकी गाड़ी का क्लच पैड ख़राब है तो इंजन ऑयल आप जूना डाल दो या सस्ता वाला डाल दो। अभी कस्टमर हमारे पास 4 दिन पहले आए थे, इंजन ऑयल डला के गए थे। अभी इंजन ऑयल की जो कंडीशन होता है, इंजन ऑयल आप सोचोगे एकदम ही ख़राब हो चुका हुआ है। इंजन ऑयल दिखा रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए, ये इंजन ऑयल समझ लो आपको नज़र में पूरा ये ख़राब हो चुका हुआ है। ऐसे हम भी देखेंगे तो हम भी बोलेंगे पूरा ऑयल ख़राब हो चुका हुआ है, कि ऑयल मैंने नया डाला था। ये देख लीजिए, अभी यहाँ से ऐसे थोड़ा से देखेंगे, ऐसे टपकता रहेगा नीचे, देख लीजिए इंजन ऑयल दिखेगा, ये अच्छा थोड़ा नया दिखता है। अगर आप इंजन ऑयल से निकाल के आप देखोगे पूरा इंजन ऑयल देखो ख़राब है, काला कलर का हो चुका हुआ है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसका जो क्लच पैड है अंदर का पूरा ख़राब हो चुका हुआ है। कस्टमर ने क्या किया था, खाली क्लच पैड डलाए थे, बहुत टाइम पहले हमको बताया कि क्लच पैड हमने इस पर नया डाले थे और पूरा कंप्लीट नहीं डाले थे। तो बाद में क्या हुआ, इंजन ऑयल इससे भी गंदा, इंजन ऑयल जब मैंने निकाला तो इससे भी गंदा था, तो मैंने इनको ये बोला कि इसमें डीजल डाल के या सस्ता वाला ऑयल डाल के, अगर डीजल डाल रहे हो तो आप उसी टाइम निकालना, अगर सस्ता वाला ऑयल डालना है तो आपको 2 या 3 दिन चलाना है, चलाने के बाद आपको इंजन ऑयल वापस चेंज कर देना चाहिए। ऐसे आप 1-2 बार करोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन सेफ रहेगा, आपकी गाड़ी का क्लच पैड सेफ रहेगा, नहीं जैसे कंडीशन अभी इसका हुआ है, हो सकता है आपकी गाड़ी भी ख़राब हो जाए। तो हमारे वीडियो थ्रू से आप अपना बजट कट सकते हो, जैसे पैसा बचा सकते हो। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ इसको, अभी हमने तो पूरा ओपन कर चुका हूँ, नट पूरा देख रहे अंदर का जो जितना बोल्ट होता है हमने ओपन कर चुके हुए। अब इसको हम अंदर को ओपन कर आपको दिखा रहा हूँ कि क्लच पैड की कंडीशन है इसका कैसे हो चुका हुआ है। ये देखिए, जिसका हब होता है, हब ये दोनों, ये हब भी कटा हुआ है, इसको हम लोग बड़ा हब बोलते हैं और एक छोटा हब आता है ये वाला, ये ले लीजिए छोटा वाला हब है, इसको बड़ा वाला अब बोला जाता है। और इसमें देखिए क्लच पैड, इसको क्लच पैड बोला जाता है और इसको प्लेसर पैड बोला जाता है। तो इसमें जो क्लच पैड होता है कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 टोटल क्लच पैड आता है, बजाज डिस्कवर 125 सीसी। कभी भी बजाज की गाड़ी का आपका क्लच पैड समझ लो आप नहीं डालना चाहिए, डालना चाहिए पूरा कंप्लीट। अगर आपके पास बजट कम है तो आप क्या करना चाहिए, अगर आपका प्लेसर पैड और क्लच पैड, इसको बोला जाता है इसको क्लच पैड, अगर एक क्लच पैड अगर सही है, आपके पास बजट कम है, तो ओपन करा के, अभी आपको बता रहा हूँ पूरा समझ लो, आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके ये बीच में इधर ये समझ लो 1, 2, 3, ये तीसरा, ये देख लीजिए इधर, बजट कम है तब आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपका ये क्लच पैड सही है तो काम करेगा, नहीं नहीं करेगा। अभी समझ लो देखो, इसके बाद एक प्लेसर पैड है, प्लेसर पैड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक प्लेसर पैड एक्स्ट्रा डाल देना है, एक
आपको एक प्लेसर पर एक्स्ट्रा डालना है, डाल के आप उसको चला सकते हो। एक तो इसके बारे में बता दिया, और नहीं तो आप पूरा नया चेंज करो, क्योंकि पल्सर गाड़ी का, बजाज वाली गाड़ी का ये पूरा किट ही ख़राब हो जाता है। आप दूसरी कोई गाड़ी का रहता है तो से होंडा हो गया, दूसरी कोई गाड़ी का उसका प्लेट पे उड़ जाता है, पूरा सेट नहीं उड़ पाता है। इसके ऊपर हमारे बहुत सारे से वीडियो बनी है। अभी मैंने आपको क्लच पैड के बारे में बता दिया हूँ। अभी इसको पूरा मैं नया इसमें यूज करूँगा, क्योंकि कस्टमर ने बोले कि भाई पूरा जितना नया है। कस्टमर ने क्या किए थे, एक क्लच पैड डाल दिए थे, डालने के बाद ये हब नहीं डाला हुआ था, तो हम इसमें हब भी डाल रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं पूरा कंप्लीट भी डाल भी दिया मैंने, तभी भी ये जल्दी ख़राब हो जाएगा, मुश्किल से महीना डेढ़ महीने में वापस ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आपको इंजन ऑयल आप यहाँ से कितना भी अच्छे से इसको सफ़ा कर दो, पिटो के सफ़ा कर दो, आप इसमें कितना भी अच्छे से, आप एक बार रिपीट कर, आप कितना भी अच्छे से इसको वाश कर लो, पेट्रोल से वाश कर लो, डीजल से वाश कर लो, धो लो, अच्छे से भी धो लो, तभी भी इसमें थोड़ा बहुत रह जाता है। तो इसके वजह से क्लच पैड वापस ख़राब हो जाता है। तो आप लोग को क्या करना है कि इंजन ऑयल आपको 10 दिन 15 दिन के अंदर ऑयल अगर आप चेंज कर दोगे तो आपका एक क्लच पैड बच जाएगा, और आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है जिसको बोलते धुआँ वो भी बच जाएगा। नहीं तो इसके वजह से गाड़ी का क्लच पैड, गाड़ी स्मोक जिसको धुआँ बोलते तो मारने लगेगा, तो आपको उसमें लंबा खर्चा, जैसे ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो खर्चा बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। मैं ये देख लीजिए, वापस एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए मेरा उंगली दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा ऐसे आप सोचोगे कि अच्छा निकल जाएगा, अच्छा नहीं निकलेगा, ऐसे काला ही निकलेगा, ये एकदम ख़राब ही वाइल ये निकलता है। तो आप अभी अगर आपको ट्राई करना है, आपको देखना है कि मैं रियल बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, आप ऐसे क्लच पैड फिटिंग कर दो, इंजन ऑयल डाल दो, और उसी को 2,000-2,500 किलोमीटर चला दो। चलाने के बाद देखना आपकी क्लच पैड जैसे कंडीशन पहले था सेम वैसे हो जाएगा, क्योंकि ऐसे अभी वापस बोल रहा था, एक कस्टमर ने करा लिए थे, कराने के बाद हमारे पास आए, फिर बाद में बोलते थे मैंने एक महीने पहले डलाया था, मैंने 4 दिन पहले ऑयल भी डाला मैंने, तो कस्टमर ने नहीं बताया था। अभी वापस बताया कि भाई जो ना इसका मैंने क्लच पैड डलाए थे, इंजन ऑयल डलाए थे, वापस हमारी गाड़ी का कंडीशन सेम हो गया था। मैंने वापस चेक किया, चेक करने के बाद देखो जो आपके सामने मैंने दिखाया हूँ। आपको अगर नहीं पैसा बचाना है तो जो तरीका मैंने बताया हूँ वो तरीका अगर यूज करोगे तो 100% आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। 99% आपकी गाड़ी का जल्दी क्लच पैड का प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजन ऑयल की वजह से ज़्यादा बजाज कंपनी में गाड़ी का प्रॉब्लम आता है, इसके वजह से गाड़ी का धुआं भी मारता है, इसकी वजह से इंजन का लाइफ भी कम होता है। बजाज कंपनी का कोई भी बाइक की मैं बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको हमारे जानकारी अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ईजी से आपके पास पहुँच जाएगा। अभी वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम वापस पूरा नया क्लच पैड डालेंगे, नया डालने के बाद हम इसमें डीजल डाल के वापस स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट करके फिर डीजल निकाल के फिर इसको हमें जो ना है पूरा अच्छे से क्लीन करके फिर इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम कस्टमर को बताएंगे कि भाई आप 10 से लेके 15 दिन के बीच में अगर ऑयल आप चेंज कराओगे तो जो मैंने काम किया हूँ ये काम जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आपकी गाड़ी के अंदर वापस प्रॉब्लम आएगा। इसलिए आपको खर्चा बचने के लिए मैं आपको घड़ी घड़ी इसलिए रिपीट कर रहा हूँ।